क्वेश्चन ये है कि कैपिटल एम मास का एक मैन है और उसके हाथ में स्मॉल एम मास का एक बैग है। मैन कैपिटल एच हाइट से फ्रीली फॉल कर रहा है। फ्रीली फॉल करते हुए मैन जब ग्राउंड से स्मॉल एच हाइट पर होता है तब वो देखता है कि ग्राउंड पर जिस पॉइंट पे फॉल करेगा वहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉन्ड है। तो फाइंड करना है कि मैन बैग को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिनिमम कितने वेलोसिटी से थ्रो करे ताकि जो मैन है वो इस पॉन्ड के अंदर फॉल करे। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैन जब बैग को इस तरफ थ्रो करेगा तो मैन को भी इस तरफ कुछ वेलोसिटी मिलेगी और उस वेलोसिटी की वजह से जो मैन है वो इस पॉन्ड के अंदर फॉल करेगा। तो हम अप्लाई करेंगे कि जितने टाइम में मैन रिमेनिंग स्मॉल एच डिस्टेंस फॉल करता है उतने ही टाइम में अगर मैन का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स के इक्वल हो जाए उस केस में जो मैन है वो पॉन्ड के अंदर फॉल करेगा। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि मैन बैग को इस तरफ यू वेलोसिटी से थ्रो करता है और मैन को इस तरफ भी वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है। तो ये कन्फर्म है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम का मतलब मैन प्लस बैग सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बैग को थ्रो करने से पहले मैन प्लस बैग का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जीरो था। तो ये कन्फर्म है कि बैग को थ्रो करने के जस्ट बाद भी मैन प्लस बैग सिस्टम का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जीरो होगा। मतलब ये कि बैग का मोमेंटम जितना टुवर्ड्स लेफ्ट होगा उतना ही मैन का मोमेंटम टुवर्ड्स राइट होना चाहिए। ठीक है, सो वी हैव स्मॉल एम यू इक्वल टू कैपिटल एम वी। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि मैन को रिमेनिंग एच हाइट फॉल करने में टी टाइम लगता है। ठीक है, सो वी हैव वी इंटू टी इक्वल टू एक्स। दिस इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी। वी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, दिस इज स्मॉल एम यू डिवाइड बाई कैपिटल एम इंटू टी। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कि मैन को रिमेनिंग स्मॉल एच डिस्टेंस फॉल करने में कितना टाइम लगेगा। तो जो मैन है वो ऑलरेडी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिस्टेंस फ्री फॉल कर चुका है। तो मान लेते हैं कि इस हाइट को फॉल करने में मैन को टी डैश टाइम लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैन है वो कैपिटल एच हाइट टी डैश प्लस टी सेकेंड में फॉल करता है विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, सो वी हैव टी डैश प्लस टी इज इक्वल टू रूट अंडर टू एच बाई जी। ठीक है, अगेन मैन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हाइट फॉल करता है इन टी डैश सेकेंड अगेन फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी जीरो। सो वी हैव टी डैश इक्वल टू रूट अंडर टू इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइड बाई जी। ठीक है, तो यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वी हैव टी इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू एम यू डिवाइड बाई कैपिटल एम इंटू टी, दैट इज रूट अंडर टू एच बाई जी माइनस रूट अंडर टू इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई जी। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट तो हमें यू की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वी हैव यू इक्वल टू एक्स इंटू कैपिटल एम इंटू रूट जी
होल डिवाइड बाई स्मॉल एम इंटू रूट अंडर टू कैपिटल एच माइनस रूट अंडर टू इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो ये यू की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।